और ये हम दही भल्ले बनाने के लिए दाल फेंट रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह 4-5 मिनट के लिए चम्मच से या हाथ से फेंट लीजिए। जितना ज़्यादा फेंटेंगे, जितनी ज़्यादा हवा हमारी दाल में भरेगी, उतने ज़्यादा हमारे भल्ले जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आओ बात करें में। होली पे दही भल्ले ना बनाएं तो फिर होली का क्या मज़ा। इसलिए हम होली के लिए बना रहे हैं दही भल्ले। हमारी दाल अच्छी तरह फिट गई है या नहीं, इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। थोड़ी सी दाल लीजिए और एक ग्लास में डालिए, पानी वाले ग्लास में ये दाल छोड़ेंगे। ये देखिए, एकदम से हमारी जो दाल हमने छोड़ी थी एकदम से वो ऊपर आ गई। ये देखिए, ये देखिए एकदम से। अगर आपकी दाल धीरे धीरे ऊपर आ रही है या नीचे बैठ रही है, इसका मतलब दाल को अभी और फेंटना बाकी है। और अगर दाल बिल्कुल एकदम से ऊपर आ जाती है जैसे हमारी आई, इसका मतलब हमारी दाल बिल्कुल फेंट कर तैयार है भल्ले बनाने के लिए। दाल हमारी भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमारे पास है थोड़े से काजू, जिनको हमने बारीक कतर लिया है, थोड़ी सी किशमिश, हींग, जीरा और नमक। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, आधा पौना चम्मच नमक, हींग, ये हमारी किशमिश, ये हमने डाल दिया इसमें काजू। ये काजू और किशमिश जो है वो भल्लों में डले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हम इन सब सामान को अच्छी तरह मिला लेंगे। तेल गरम हमने होने के लिए रख दिया है। आप बस इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो भल्ले आपने सेकने हैं ये बहुत तेज तेल में नहीं डालने हैं। तेज तेल में डालने से क्या होगा दोस्तों कि ऊपर से तो लाल हो जाएंगे ये, लेकिन अंदर से आपकी दाल जो है वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे हल्के गर्म तेल में डालें, उसके बाद सेकें इसको ताकि अच्छी तरह से ये सिक जाए, अंदर तक जो दाल है वो आपकी पक जाए, कच्ची ना रहे। फ्रेंड्स, हमारा ये तेल का गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी दाल लेके इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, ये से चौड़े चम्मच के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाइए, उसके ऊपर अपनी दाल रख के हल्का हाथ से इसको फैला लीजिए और ये तेल के अंदर बहुत आराम से आपके भल्ले बनेंगे, तैयार हो जाएंगे। ये पतीले में हमने हल्का गुनगुना पानी रख रखा है। जैसे ये भल्ले फ्राई हो जाएंगे हम इनको सीधा पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे ये पानी को अच्छी तरह सोख ले और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया शेप में हमारे भल्ले बनके तैयार हो रहे हैं। और ये एकदम जैसे हमारी पूरियां फूलती है ना, उस तरीके से फूल गए हैं। ये देखिए, ये पहचान है कि आपकी दाल जो है बहुत अच्छी तरह से फिट गई थी। और ये भल्ले इस तरीके से बनाएंगे तो इनमें कभी कोई गांठ वगैरह, कोई गुठली कुछ नहीं रहेगी, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे आपके भल्ले। हाँ तो दोस्तों, दो भल्ले हमारे बन के तैयार हो गए थे। अब हम उसके लिए दही तैयार करेंगे।
भल्लों के लिए दही तैयार करने के लिए आप उसको किसी ब्लेंडर से या किसी चीज से ना करके आप उसको ऐसे करिए कि सूप की छलनी जो होती है ना घर में हमारे, जिससे हम सूप छानते हैं, उसमें डाल दीजिए दही को। और जैसे सूप छानते हैं उस तरीके से इस दही को छान लीजिए। ये दही इतना फाइन निकल के आएगा नीचे से कि इसमें जरा सी भी गुठलियां, गांठें या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं दही के बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, एकदम फाइन हो जाएगा आपका दही। क्योंकि भल्लों के ऊपर दही डाले और उसमें छोटे छोटे दाने नजर आए दही के, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। ये देखिए कितना फाइन हमारा दही निकल के आया है नीचे। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, वैसे मुझे ये ठीक लग रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बूरा। आपके पास बूरा है तो ठीक है, वरना पिसी हुई चीनी भी आप ले सकते हैं। और पिसी हुई चीनी भी नहीं है तो थोड़ी चीनी को आप ग्राइंडर में डाल के इंस्टेंटली पीस लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। और अगर दही में थोड़ा खट्टापन है तो वो भी सबसाइड हो जाएगा बूरा डालने से। ये थोड़ी सी 4 या 5 पिसी हुई छोटी हरी वाली इलायची है, उसका पाउडर डाल दीजिए। आप यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से भल्लों का दही तैयार करेंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाट चाट के भल्ले खाएंगे। ये मैंने डाला है इसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये आपका भल्लों का दही जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको प्लेट में लगा के सर्व करेंगे। तो अब हम लगाते हैं भल्ले की प्लेट। देखिए भल्ले हमारे कितने सॉफ्ट बने। हाथ से दबा के इसको पानी निकाल देंगे और इसको अपने प्लेट में सेट कर देंगे। इसे डालेंगे हम ये भल्लों का तैयार किया हुआ दही। आप चाहें तो इसमें थोड़ी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा क्रीमी दही पसंद है तो। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। जो कुछ दिन पहले मैंने आपको चाशनी का रीयूज करके सौंठ बनानी बताई थी छुहारे वाली, ये वही सौंठ हमारी रखी हुई है। ये हमने इसके ऊपर डाल दी अपनी छुहारे वाली सौंठ। और ये पुदीने वाली हरी चटनी। और ये तैयार हो गई हमारी भल्ले की प्लेट। इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।